नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आम आदमी का जीना इस देश में काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और लोगों की जो कमाई है वो नहीं बढ़ रही है। हर महीने किसी ना किसी चीज़ का दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक बार फिर से रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। महीने का आज पहला दिन है और आज ही के दिन लोगों को बड़ा झटका लग गया है। आपको पता है कि इसके अलावे कई सारी चीज़ें खाने पीने की पहले से ही महंगी है। डीजल पेट्रोल का दाम तो बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग आखिर करें तो क्या करें, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि कितने की वृद्धि हुई है और कैसे लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से सरकार ने बढ़ा दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम महीने के पहले दिन ही बढ़ गए हैं। वैसे इस बार यह बढ़ोतरी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है। वहीं नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884 रुपए बनी हुई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लग रहा था कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपए के पार जा सकती है, लेकिन अब कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी है उससे फ़र्क तो लोगों की जेब पर पड़ेगा ही। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं तो इसका असर आपके खाने के बिल पर भी पड़ेगा। कोई खाना ऑर्डर करते हैं उस पर भी आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है सब्सिडी के साथ या बिना सब्सिडी के साथ उसके भी दाम कुछ कम नहीं है। आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर की जो कीमत है वो 1693 रुपए से बढ़कर 1736 रुपए 50 पैसे हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सितंबर महीने की शुरुआत में ही सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी कर दी। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर को 25 रुपए बढ़ा दी गई। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 884 रुपए 50 पैसे हो गए। बीते महीने 15 दिन में ही गैर सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। मुंबई में इसकी जो कीमत है वो 884 रुपए 5 पैसे है। वहीं चेन्नई में 900 रुपए, लखनऊ में 897 रुपए 5 पैसे है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी दाम कम नहीं है। पहले अक्टूबर की आज की बात करें तो 983 रुपए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का दाम है यहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि LPG सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की जो सामग्री है उसकी भी कीमतें बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है और इसके वजह से जो है वो अन्य चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन LPG सिलेंडर्स की लगातार बढ़ती कीमतें लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। महंगाई की वजह से ऐसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी, और आपको पता है कि बीते 2 सालों में पूरी दुनिया ने कितनी बड़ी मुश्किल को देखा। कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई। बिहार की अगर बात कर लें तो बाढ़, सुखाड़, वायरल फीवर, तरह तरह की चीज़ें हर महीने में लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है मुश्किलें। उसके बाद जाकर अब इतनी ज़्यादा कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ फैसला लिया जाता है या फिर इसी तरह से लोग महंगाई से त्रस्त होते रहेंगे। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।